चारों तरफ कांग्रेस और बीजेपी का दंगल शुरू हुआ है, तो चलिए फटाफट 10 खबरें जान लेते हैं इन दो मिनट में। आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का मुद्दा, छत्तीसगढ़ में तीसरा दल शुरू हुआ, सियासी दंगल बहुत तेज हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी घमासान लड़ाई। चुनाव को लेकर एक्टिव हुई राजनीतिक दंगल में कांग्रेस ने दिल्ली तो बीजेपी ने भोपाल में किया मंथन। क्या आपने दूसरे राज्य में चुनाव लड़ा तब पूछा? विधायक शामिल होने पर कांग्रेस को ममता बनर्जी ने जोरदार दिया जवाब। चेन्नई पर हुए पैसों की बारिश, गुजरात हुई मालामाल तो बीसीसीआई ने इन टीमों पर भी हुई मेहरबान। इंदौर में भाजपा के दो धुर विरोधी विधायकों ने किया साथ भोजन, हो गई गदगद। कई धड़ों में बांटी बीजेपी, अब पीएम मोदी फंसे पर ही पार्टी लड़ेगी विधानसभा चुनाव, तो दोनों ही पार्टियां रह गई बरकरार। गहलोत और पायलट में हुई सुलह के बाद कांग्रेस से आ रहे संकेत, पायलट लिए हो सकते हैं अच्छे खबर। गहलोत और पायलट दोनों में घमासान लड़ाइयां चल रही थी, दोनों हो गए हैं एक। ग्राम विकास चंद योजना यात्रा भवन पूरा गांव पहुंची, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी मुख्य अतिथि। ग्राम वासियों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और उनका समस्या दूर हो सकती है। कर्नाटक के तर्ज पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, वही बीजेपी को किया धर्रा धर्रा। कांग्रेस सांसद धनोधर के निधन से महाराष्ट्र के विपक्ष ने सच्चा समर्थन खो दिया, अजीत पवार बोले ये कैसा हो गया। मध्य प्रदेश में मिशन 150 सीटों के लिए राहुल गांधी की नेताओं को नसीहत। एमपी चुनाव के लिए रोड मैप निकाला गया है और जिस तरीके से रणनीति तैयार किया जा रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस बहुत तेज दिखाई दे रही है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।